नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम संज्ञक एतत् शब्द का रूप तीनों लिंगों में पढ़ेंगे। नमस्कार, अद्य वयम् सर्वनाम संज्ञक एतत् शब्द रूपम् त्रिषु लिंगेषु पठामः। सर्वादौ अहम् शुद्धोच्चारणं करोमि, भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति तथा च अनुच्चारणं करिष्यन्ति इति। संस्कृत भाषायां एतत् शब्द रूपस्य प्रयोगः समीपतरवर्ती चैतदुरूपम्। यदि हमारे अत्यंत समीप कोई वस्तु या पदार्थ है, तदा उन वस्तुओं को बोध कराने हेतु एतत् शब्द का रूप के द्वारा बोध कराया जाता है। अतः अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द रूप है एतत्। जैसे मेरे पास सबसे नज़दीक एक लड़का है, तो उस हिंदी वाक्य का अनुवाद होगा एषः बालकः अस्ति। क्या होगा? एषः बालकः अस्ति। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एतत् शब्द का रूप आज हम लोग पढ़ते हैं। एतत् शब्द रूपम् पुल्लिंगे। एतत् शब्द का रूप पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति है एषः, एतौ, एते। द्वितीया विभक्ति है एतम्, एतौ, एतान्, एतम्, एतौ, एतान्। तृतीया विभक्ति है एतेन, एताभ्याम्, एतैः, एतेन, एताभ्याम्, एतैः। चतुर्थी विभक्ति है एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति है एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति है एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः। एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः। षष्ठी विभक्ति है एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतत्सप्तमी विभक्ति है एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। एतत् शब्द रूप स्त्रीलिंगे। एतत् शब्द का रूप स्त्रीलिंग में। मैं दो दो बार उच्चारण कर रहा हूँ, अतः आप भी शुद्ध उच्चारण कर सके। अहम् बारद्वयम् उच्चारणम् करोमि, एतदर्थम् यत् भवन्तः अपि शुद्धम् शुद्धम् उच्चारणम् कर्तुम् शक्नुवन्ति।
एतत् शब्द का रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति ही एषा एते एताः प्रथमा एषा एते एताः द्वितीया विभक्ति ही एताम एते एताः द्वितीया एताम एते एताः तृतीया एतया एताभ्याम एताभिः एतया एताभ्याम एताभिः चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः पंचमी विभक्ति एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासाम एतस्याः एतयोः एतासाम सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु एतत् शब्द रूपम नपुंसक लिंगे एतत् शब्द का रूप नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति ही एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि द्वितीया एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि तृतीया एतेन एताभ्याम एतैः एतेन एताभ्याम एतैः चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः पंचमी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषाम एतस्य एतयोः एतेषाम सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु प्यारे बच्चों एतत् शब्द का रूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति को छोड़कर तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक समान रूप बनते हैं। क्या एतत् शब्द का रूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भेद केवल भेद प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में होता है। तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति पर्यंत
समान रूप चलते हैं, कोई भेद नहीं होता है। अतः ध्यान रखना है कि भेद केवल प्रथमा और द्वितीया में होता है। एतत् शब्द का अर्थ यह होता है। अब हम लोग तत् शब्द का रूप पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग तत् शब्द के विषय में जानते हैं। तत् शब्द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? तत् इति परोक्षे विजानीयात, जो मेरे सामने नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वर्तमान में मेरे सामने नहीं, कहीं और है। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है परंतु हमारे पास नहीं है, वो अदृश्य है परंतु है। तो अतः इस प्रकार के वाक्यों के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत् शब्द का अर्थ वह होता है। वाक्य होगा सह बालकः अस्ति, क्या होगा? सह बालकः अस्ति, स्त्रीलिंग में वह लड़की है, वह लड़की है। हम उस लड़की को नहीं देख रहे हैं परंतु वह है। अतः वह परोक्ष रूप में है, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं और है। अतः वह इस लड़की है, तो वह इस शब्द के लिए संस्कृत में तद् शब्द का रूप प्रयोग होगा, अनुवाद होगा सा बालिका अस्ति, क्या होगा? सा बालिका अस्ति। नपुंसक लिंग में वह फल है, या हम कह सकते हैं वहाँ वह फल है, फल है परंतु हम देख नहीं रहे हैं, वह परोक्ष है, हमारे सामने नहीं है। अतः व्यक्तियों अथवा पदार्थों के लिए तत् शब्द का प्रयोग होगा, जो व्यक्ति या पदार्थ मेरे सामने नहीं है। जैसे तत् फलम अस्ति, क्या होगा? तत् फलम अस्ति। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने तत् शब्द का प्रयोग किस प्रकार और कहाँ होगा इनके विषय में जाना। अधुना वयम् तत् शब्दस्य रूपम् उच्चारणम् कर्तुम् जानीमः, भवन्तः अपि श्रुत्वा उच्चारणम् कर्तुम् प्रयत्नम् प्रयासम् वा करिष्यन्ति, तदा भवन्तः शुद्धं शुद्धं उच्चारणं करिष्यन्ति। आगच्छ वयम् उच्चारणं कुर्मः, तत् शब्दरूपं पुल्लिंगे, तत् शब्द का रूप पुल्लिंग में। प्रथमा विभक्ति सह तौ ते, सह तौ ते। द्वितीया विभक्ति तम तौ तान, तम तौ तान। तृतीया विभक्ति तेन ताभ्याम तैहि, तेन ताभ्याम तैहि। चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम
तेभ्यः पंचमी विभक्तिः तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः पंचमी तस्मात् ताभ्याम् तेभ्यः षष्ठी विभक्तिः तस्य तयोः तेषां तस्य तयोः तेषां सप्तमी विभक्तिः तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। प्यारे विद्यार्थियों, हम उच्चारण करते हैं तो हमारे द्वारा कहाँ कहाँ त्रुटि होती है, अशुद्ध उच्चारण होता है, इसके विषय में जानते हैं। जैसे तृतीया विभक्ति में तेन उच्चारण होगा, परंतु यहाँ बच्चे तेन बोलते हैं, जो गलत उच्चारण है, तेन नहीं होगा। क्या होगा शुद्ध उच्चारण? तेन ताभ्याम तैः। तत् शब्द रूपम स्त्रीलिंगे, तत् शब्द का रूप स्त्रीलिंग में। प्रथमा विभक्ति है सा ते ताहा, सा ते ताहा। द्वितीया ताम ते ताहा, ताम ते ताहा। तृतीया तया ताभ्याम ताभिः, तया ताभ्याम ताभिः। चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी तस्याः तयोः, तासाम तस्याः तयोः, तासाम। सप्तमी तस्याम तयोः, तासु तस्याम तयोः, तासु। तत् शब्द रूपम नपुंसक लिंगे, तत् शब्द का रूप नपुंसक लिंग में। प्रथमा विभक्ति है तत् ते तानि, तत् ते तानि। द्वितीया विभक्ति है तत् ते तानि, तत् ते तानि। तृतीया तेन ताभ्याम तैः, तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः, तेषां तस्य तयोः, तेषां। सप्तमी विभक्तिः तस्मिन् तयोः, तेषु तस्मिन् तयोः, तेषु। तत् शब्द का रूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ही भेद होता है, अर्थात भिन्नता होती है। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ही
अलग अलग रूप बनते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। शेष तृतीया से लेकर सप्तमी तक समान रूप चलते हैं, अर्थात तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति पर्यंत कोई भिन्नता नहीं होती है। अतः हमको ध्यान रखना है कि भिन्नता किन विभक्तियों में होती है। धन्यवाद, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, जयतु DAV।